अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ जी मैं आई हुई हूँ आज शॉपिंग करने, तो मैंने कहा चले जी आपको भी थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ साथ के साथ छोटे छोटे क्लिप्स। और ये है जी गुल अहमद, मैं प्रिंट चेक कर रही थी, न्यू अराइवल आया हुआ टू पीस, बट बहुत महंगा है यार, 6,000 के ऊपर सिर्फ टू पीस मिल रहा, प्रिंटेड कोई भी कढ़ाई भी नहीं। मैं कहा छोटे जो बहुत महंगे है, मैं थ्री पीस हो या कढ़ाई हो फिर तो चलो समझ में आता है, बट टू मच एक्सपेंसिव। और एक दो मैंने शर्ट्स देखी लास्ट ईयर की, आई थिंक डिस्काउंट में, तो वो भी 2300 की बन रही थी, प्रिंटेड थी, सिंगल शर्ट थी और लॉन की, तो वो आफ्टर डिस्काउंट ही भी इतनी महंगी बन रही थी। पहले जी हम इतने की एक नई शर्ट ले लेते थे, तो ये जी बहन साहबा ने पहना हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था, बट ये अजीब सा ट्रेंड हो गया हमारे जी पाकिस्तानियों का, ये वाला जो है ना ट्रेंड के बॉडी पार्ट्स नज़र आना, तो बहुत ही अजीब सा ही लगता है। तो यही अगर ये पूरा फ्रॉक बना देते कितना प्यारा लगता है। बट एनीवे ये जी न्यू कलेक्शन है इसकी गुल अहमद की, बहुत ज़बरदस्त आई थी इस दफ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। और इसमें आपको मतलब बहुत ह्यूज वेराइटी है, ह्यूज कलेक्शन है, आपको इधर फॉर्मल भी मिल जाएंगे कढ़ाई वाले, और ये फॉइल प्रिंटिंग वाले आए मैंने बहुत मज़े के हैं, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था, ये वाला भी अच्छा लग रहा था, और ये इनके साथ प्रिंटेड सलवारें थी ये भी अच्छा लग रहा था। अच्छा मैंने वीडियो बहुत फास्ट कर दी है क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी मैंने, क्योंकि घर जाके आपको शॉपिंग हॉल भी करना है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दी। और इसमें ये डिज़ाइनिंग भी थे सारी फॉइल प्रिंटिंग के थे थोड़े, मतलब और किसी ब्रांड पर भी मैंने ये चीज़ नहीं देखी। हाँ पहले ये मारिया बी के जो होते थे ना कढ़ाई, मतलब शादियों वाले कपड़े, उनमें ये फॉइल प्रिंटिंग होती थी शरारे गरारे कपड़ों में, तो अब गुल अहमद के भी थे लॉन पे, तो बड़ा फॉर्मल सा ड्रेस बन जाता है, बहुत ही हल्का फुल्का सा, कढ़ाई से भी हैवी हो जाते हैं, और जो कढ़ाई नहीं पहनते तो उन लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। और ये वाला वाइट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट जिनके लिए लेने थे तो बस 4-5 ही लेने थे। अच्छा कुछ ड्रेसेस प्लेन आए हुए हैं, उनके साथ प्रिंटेड दुपट्टे आए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएगी, और ये डिज़ाइनिंग भी आपको मिल जाएगी कि बड़े बड़े गले बने हुए, और इनकी प्राइसेस यही है 5 से समथिंग 6 के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 सूट लिए गुल अहमद से, बहुत प्यारे थे, और कढ़ाइयों वाले मतलब 14,000-15,000 तक वो भी थे, जो सही फॉर्मल ड्रेस जिसको कहते हैं लॉन पे। उसके बाद जलपरी आ गए हम, यहाँ जलपरी से भी कुछ लिया है, लेकिन ये था कि मैं घर जाके देखूंगी, अगर एडजस्ट हुआ तो मैं कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि फिर पहले ही मुझे लग रहा है कि वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है। यहाँ भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, कुर्तियाँ भी बहुत रीज़नेबल है, अगर आपने कुर्तियाँ लेनी है तो सीधे जलपरी चले जाओ, 1700-1800 में आपको आराम से कुर्ती मिल जाएगी, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी होगी, नहीं भी होगी तब भी चले अपने बजट में रह के आप आराम से ले सकते हैं, और थ्री पीस आपको 3,000 का मिल रहा है, अगर दुपट्टा साथ है तो 31-32 का आराम से आपको रीज़नेबल मिल रहा है, ठीक है। तो आपने घर में पहनने के लिए लेने ना, तो आप सीधे जलबरी जाओ, कितने भी ना जाओ। और ये बड़े प्यारे से कलरफुल से थे, लॉन्ग फ्रॉक्स आई हुई थी, लॉन्ग फ्रॉक्स अच्छी बहुत लगती हैं, मैंने पिछले साल आई थिंक लाइमलाइट से ली थी, लेकिन उनमें इतनी गर्मी लगती है घर में पहने नहीं जाते। हाँ और बहुत रीज़नेबल प्राइस में फ्रॉक्स मिल रही हैं 2500 में। हालांकि फ्रॉक जो है ना थोड़ी सी प्राइसी होती हैं अगर लाइमलाइट से भी आप लेते हैं प्रिंटेड, क्योंकि इन पे कपड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ होता है, दो शर्टों का तो यूज़ हुआ ही वो होता है, लेकिन फिर भी 2500 में मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये हैरत वाली बात है। अगर आप लोगों ने अवेल करना है तो फ़ौरन उसको अवेल कर लें, तो बहुत अच्छी प्राइस में हमें यह फ्रॉक मिल रही है। बट मुझे तो फ्रॉक नहीं लेनी थी, बिकॉज फ्रॉक ना गर्मी में पहनी नहीं जाती, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ से जी हम निकले, और अच्छा आप टू पीस भी ले सकते हैं जो सेम प्रिंट में ट्राउज़र शर्ट होती है, और सिंगल शर्ट्स भी ले सकते हैं, फ्रॉक भी ले सकते हैं, इसके अलावा अगर शर्ट लेते हैं तो ट्राउज़र शलवार मैच भी कर सकते हैं। ये फ्रॉक मुझे इतनी अच्छी लगी थी एथनिक पे, बहुत प्यारी लगी थी, और अब किसी की शादी नहीं है जहाँ मतलब पहनने के लिए बहुत प्यारी लग रही थी कोई, मतलब मुझे अच्छी लग रही थी, बड़ी कलरफुल सी लग रही थी, मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता। अच्छा एथनिक में मुझे कोई खास नहीं लगा, वही है विस्कोस हो गई, या फिर जो अरेबिक लीलन होती है वही कुछ आया हुआ, अभी मतलब सही जो है ना समर वाली वैरायटी नहीं आई हुई, एंड स्टिच मैंने देखा नहीं, बस मैंने प्रेट में नज़र मारी थी। और उसके बाद जी हम काफ़ी फिरे, और कुछ के क्लिप बनाए कुछ के नहीं बनाए, तो यहाँ जी भूख शूख लग गई, तो हमने KFC मेरी बेटी को था जी, मैंने नए जो उनके स्पाइसी विंग्स आए हुए हैं रेमन पता नहीं क्या है उनका नाम, तो वो खाने हैं, वो जो मैंने पूछा कहते आउट ऑफ स्टॉक है, मैंने कहा चलो जी फिर हॉट विंग्स कर दो, वो किए और ड्रिंक्स की, तो बस जी हम जाके बैठ के, और जलपरी से भी शॉपिंग हो गई, गुल अहमद से भी हो गई, तो इंशाल्लाह ताला मैं घर जाके जो ना आप लोगों को सारी डिटेल में जो है दिखाऊंगी, एक में नहीं दिखा सके तो दो में दिखा दूंगी। और यहाँ जी हम बैठे हुए हैं और हमारा ऑर्डर अभी नहीं आया, और आज था संडे और आज बहुत रश था, जब हम 2 बजे के करीब आए थे तो इतना रश नहीं था, जैसे जैसे टाइम जो है ना बढ़ रहा था तो रश भी अखीर किस्म का होता जा रहा था। और सेल जो है आई थिंक अलमीरा पे है, जे रोड पे है, उस पर बहुत ज़्यादा रश था, डे रोड पर बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि लोग जो ना अभी से ईद की शॉपिंग करके रख रहे हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि आपको डिज़ाइन नहीं मिल रहे। और जिस दिन स्टार्ट हुई थी ना सेल, मैंने उसी वक्त शॉपिंग बच्चों की थी, उस दिन भी जो है ना आपको साइजेस नहीं मिल रहे थे,
मतलब कि पहले दिन ही ख़त्म हो गए थे, और अब तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है कि साइज़ मिलना, क्योंकि लोगों का होता है कि अपने बच्चों के सबके लेके जो ना रख लिए जाएँ, अगर सेल ना लगती फिर तो शायद लोग कहते चले बाद में करते, लेकिन जब सेल लग जाती है और पता भी है कि ईद आने वाली है, रमज़ान है आने वाला है, तो फिर ईद पर पहने हैं, तो इसलिए फिर हर कोई सोच रहा होता है कि चले ले लिए जाएँ। अगर 1000 में भी आपको एक सूट मिल रहा है, कम में मिल रहा है, तो बड़ी बात है। तो यहाँ जी हमारा जो है ऑर्डर आ गया था, बस हम वो खाएँगे और उसके बाद अब अगला टारगेट है जी हमारा खाड़ी। अच्छा खाड़ी में पता नहीं क्या हो गया यार, खाड़ी में तो एक तो खाड़ी होम ख़त्म कर दी, एम्पोरियम इतनी बड़ी खाड़ी बनाई है, बट उसमें अनस्टिच कोई ख़ास नहीं है। जो इनके पास पहले खाड़ी थी ना उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस थी, अब ज़्यादा स्पेस इन्होंने प्रेट को दे दी है, शूज़ दे दिए, बैग दे दिए, इस किस्म की चीज़ें, और प्रेट सारा के सारा ना इनका कैम्ब्रिक है, और मतलब कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, मैं भी इसे बताई जा रही हूँ। चलिए जी यहाँ हम अपना जो है ना मील इन्जॉय करते हैं, और ईमान साहिबा ने तो फ्राइज़ ही खानी होती हैं, तो उसके लिए हमें अलग से फ्राइज़ बनानी पड़ती हैं, और KFC के विंग्स या KFC के चिकन के आगे कोई भी नहीं है। अब मतलब कितना डेवलप हो गया ना टेस्ट, अब मैं कोई भी खाती हूँ ना जिंगर पीस या विंग्स, मुझे वो मज़ा नहीं आता जो KFC में आता है, मतलब कि इसके एक अलग ही लेवल है। चलें जी यहाँ से मैंने बच्चों से कहा जल्दी जल्दी के उठो, यहाँ के अभी उनका मूड था कि हमने मैकडोनल्ड्स आइसक्रीम लेनी है, मैंने कहा पहले हम खाड़ी से हो आते हैं और उसके बाद हम जाएंगे मैकडोनल्ड्स आइसक्रीम खाएंगे और फिर हम जाएंगे घर। ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और ये वाला मतलब, और ये सारे ना कि सारे कैम्ब्रिक पे, ब्लॉन पे कोई भी नहीं है, और कैम्ब्रिक पे है, प्रिंटेड है, और मतलब सेपरेट आपको दुपट्टा, शलवार, ट्राउज़र मिल जाएगा। और जिनके लिए लेने थे, मुझे कोई शलवार वाला नहीं मिल रहा था, शलवार वाला चाहिए था, यहाँ तो लेंथ बहुत शॉर्ट थी और कईयों की लॉन्ग थी, और मैं जा रही थी थोड़े से मीडियम लेंथ हो या फिर लॉन्ग हो, और कढ़ाइयों वाले भी थे, ये वाले भी थे, और ये सारे के सारे ना कैम्ब्रिक पे हैं, थोड़े से मतलब के मिक्स कपड़ा है, और ये जो प्रिंटेड है कैम्ब्रिक पे हैं, तो लॉन पे भी कुछ भी नहीं आया हुआ। तो बाकी इनकी वो जो है ना टाई एंड डाई है, पत्नी कौन सी है, वो कलेक्शन है, और स्लीवलेस भी है विद स्लीव्स भी है, ये वाला भी बहुत अच्छा था, ब्लू लॉन्ग शर्ट थी, साथ ट्राउज़र था, और लेकिन ये जो है ना कैम्ब्रिक पे था, और इसके साथ दुपट्टा वगैरह नहीं था, और ये ब्लू में भी थे, स्लीव्स वाले भी थे, विदाउट स्लीव्स भी थे, विदाउट नहीं स्लीवलेस भी थे, और काफ़ी थी इनके पास भी वैरायटी, बट आई डोंट नो वो वाला मज़ा नहीं है जो पहले खाड़ी में शॉपिंग करते आता था, और एक चीज़ लेने जाते थे तो बहुत सारी पसंद आ जाती थी, इनके प्रिंट्स, इनके कट, पता नहीं अब क्या है, कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था, और ये अच्छा लग रहा था मुझे इसका कपड़ा, बट इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट थी, और साथ ट्राउज़र था, चिकनकारी का डिज़ाइन बना हुआ था, और मतलब कि इतना फिरने घूमने के बाद भी ना एक जाके ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, बट ये ना अगर आप कैलकुलेशन करें ना तो प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं ओनली 2 पीस की। अगर खाड़ी के आप प्रिंटेड भी लेना तो उसकी प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, क्योंकि 3000 से शर्ट स्टार्ट हो रही है, अगर आप शलवार ले रहे हो तो वो 2000 की मिल रही है, ट्राउज़र है तो वो 1600 का मिल रहा है, मतलब कि अगर आपने लेने हैं ना तो आप एथनिक से 2 पीस ज़्यादा हमें रिजनेबल पड़ जाते हैं। सब ने अपनी रेट बढ़ा दी, लेकिन एथनिक जो है ना जितनी भी उनकी लगी हुई है स्पेशल प्राइस नहीं, उनकी वही प्राइस है 3690, ठीक है ना, उन्होंने भी इंक्रीज नहीं की। हाँ ये हो सकता है कि वो जो अब लॉन का करेंगे तो उनमें वो वाले सूट 4000 के कर दें, क्योंकि हर एक ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है, और खाड़ी की जो हमें 22-23 की शर्ट मिल जाती थी वो अब 3000 की मिल रही है, और ये भी अच्छे लग रहे थे, बट ये शॉर्ट थी लेंथ, और कुछ फ्रॉक थे बहुत ही घेर वाले, और घेर वाले फ्रॉक से तो मेरा बहुत दिल चल गया, क्योंकि इसमें ना बहुत गर्मी लगती है, गर्मी में नहीं पहने जाते। हाँ लॉन्ग शर्ट हो, स्ट्रेट हो तो अच्छी लगती है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और जब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रही थी 3 पीस तो ये 6000 समथिंग का बन रहा था, और इसकी प्रिंटेड जो शलवार थी ना ऑनलाइन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही थी, यहाँ उन्होंने प्लेन लगाई हुई थी, और ये भी था एक शलवार वाला, लेकिन ये जैकॉट टाइप का कपड़ा था और शॉर्ट लेंथ थी, और मुझे नहीं लेनी थी, तो बस मैं बार बार देख रही थी कि मुझे कोई शलवार वाला अच्छा मिल जाए, बस मुझे 2 ही अच्छे लगे थे, और दोनों में से भी मैंने एक लिया था क्योंकि उनके कलर मिलते जुलते हो रहे थे, और फिर मिलते जुलते लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उनमें से भी मैंने एक सूट लिया, फिर मैंने साथ शलवार भी ले ली, और नहीं साथ उसके ट्राउज़र था वो भी ले लिया, और फिर दुपट्टा भी साथ जो सेपरेट मैचिंग में होते हैं वो भी मैंने ले लिया था, और एक ये भी था जिसके साथ शलवार थी, बट ये मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा था, बड़ा फिक्कू सा कलर लग रहा था और बहुत रश था। बस यहाँ से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो गई थी, फिर बच्चा पार्टी पर चले गए, जब बच्चे साथ हो तो इन्होंने तो पार्टी लास्ट में करनी होती है बच्चा पार्टी पर जाके, तो इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, और यहाँ जी अब हम कर रहे हैं, और हमारे पास इतने बैग्स हो गए थे ना, तो बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि लिफ्ट आ जाए, और बस उसी का वेट में खड़े हैं, और फिर जी आइसक्रीम खाए बगैर तो कहते हमने जाना नहीं है, फिर जी वहाँ आइसक्रीम का ऑर्डर था तो यहाँ से बस वो ली, और हमने कहा जल्दी जल्दी खाओ और चलें, यहाँ जी हम आइसक्रीम इंजॉय करेंगे उसके बाद घर जाएंगे, और शाम के आई थिंक 6 बज गए होंगे हमें यहीं पर, तो अभी घर जाना है, खाना बनाना है, और बस
अच्छा जी, जब हम नीचे आए तो ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये यहाँ ना स्टॉल्स लगे हुए थे जैसे नॉर्मली एक्सपो सेंटर में लगते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कपड़े, दुपट्टे, शॉल्स और ये क्लचेस, इन भी ना सारे ये हाथ का मोतियों के काम हुआ, तो बहुत प्यारे लग रहे थे और इनकी प्राइस 2500 उन्होंने बताई थी, तो मैंने कहा आप काम करेंगे कहती जी, मतलब इट्स मीन के बार्गेनिंग करके कम हो सकता, और ये स्टॉल सिर्फ संडे तक ही था, बट फिर मैंने उठाया, फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहाँ लेके जाना क्लच। तो यहाँ जब हम घर आ गए तो ये खाड़ी से मैं एक बैग लेके आई हूँ, खाड़ी में बैग बहुत अच्छे आए हुए हैं, 3000 समथिंग के भी मिल रहे हैं, अच्छा है, और उसके बाद ये 3000 की रेंज में मिल रहे हैं, और मतलब इसको आप एज अ टॉट बैग यूज़ कर सकते हो, ये एक थैले टाइप का भी मिल रहा है, और ये आपको 600 का मिल रहा है, एक इससे कम का 200 कुछ का मिल रहा है, जिसके ऊपर खाड़ी का लोगो बना हुआ है, और ये बिल्कुल प्लेन है, उसमें बहुत सारे डिज़ाइनिंग, बहुत सारे प्रिंट, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, मतलब अच्छे लगे मुझे, और दूसरे भी थोड़े से एक्सपेंसिव लगे, वो भी आप ले सकते हैं एज अ टॉट बैग। और ये जी पेंसिल बॉक्स लिया, और ये आई थिंक 1500 का था, और ये लाइमलाइट से पिंस ली, ये 600 का पैक था, और जी और क्या लिया, और ये ग्लासेस भी लिए, पता नहीं क्या कितनी प्राइस है, एक और ग्लासेस ईमान ने भी लिया था, तो इंशाल्लाह ताला बच्चों की जो है ना शॉपिंग में अलग से एक बनाऊंगी। और ये जी सारी शॉपिंग है, और अभी दोपहर बज रहा है, नेक्स्ट डे है, तो मैंने कहा अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, रात बिल्कुल भी नहीं थी मुझ में हिम्मत के मैं खोल के दिखाऊँ, क्योंकि लेट बहुत हो गया था, और फिर खाना बनाना था, और फिर संडे थे, बच्चे भी घर पे थे, हस्बैंड भी घर पे थे, तो फिर इसलिए मैंने नहीं इनको खोला, तो मैंने कहा वन बाय वन मैं खोल के दिखाती हूँ। और ये अनस्टिच जो मैंने गुल अहमद आइडियाज़ से लिए हैं, और ये जो मैंने जे डॉट की सेल जो अभी तक लगी हुई है, और वो 7 मार्च को आई थिंक स्टार्ट हुई थी, और मैंने जो है ना उसको अवेल किया, अपने लिए भी किया, ईद की शॉपिंग भी मैंने कर ली, तो मैंने कहा करनी तो है, चैलेंज डिस्काउंट लगा हुआ तो उसको अवेल कर लें, और अभी तक चल रहा है, ठीक है। और जैसे आज मैं कर रही हूँ, तो आज 15 है मार्च, तो अभी तक इसका सेल जो है ना अभी लगी हुई है, बट ये है कि प्रेट में बहुत सारे जो है ना साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, जो अच्छे अच्छे आर्टिकल से निकल गए थे, मैंने जब शॉपिंग की थी, मैंने जो है ना उसका पहला दिन था, तो मैंने फटाफट जाके अवेल की थी, अपनी भी की थी, बच्चों की भी की थी, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जब मैं ईद का कोई शॉपिंग व्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो इनके लिए मैंने की है, तो उनके लिए मैंने की है, अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर कोई शॉपिंग करनी हो या कुछ स्टिच करवाना हो तो आप मुझसे जो इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, करवा सकते हैं। तो चलें जी वन बाय वन खोलते हैं, सबसे पहले मैं आप दिखाती हूँ आइडियाज़ से मैंने कौन कौन से सूट बाय किए हैं अनस्टिच। अच्छा जी, आइडियाज़ गुल अहमद से मैंने ये 3 जोड़े जो है ना लिए हैं उनके लिए, ठीक है, तो अपनी ही चॉइस के मैंने लिए हैं, तो उनको मैंने दिखाए तो उनको अच्छे लगे हैं, तो बस अब स्टिच होंगे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। जो इस किस्म के ड्रेसेस होते हैं इन पर इतनी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती, जो दूसरे जिन पे पैचेस होते हैं और लेसेस होती हैं उनके साथ थोड़ी सी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इट्स मीन कि ये हैं तो 6000 की रेंज के हैं, बट ये है कि इनके पास बॉर्डर है, आप कुछ लेसेस लगवा सकते हो, थोड़ी बहुत डिटेलिंग करवा सकते हो, तो वो है। ये जो 2 सूट है ना ये सेम प्राइस में है, और 3-3 पीस हैं, ये 2 पीस हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू कलेक्शन आई है मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगी है इनकी, तो मैं आपको सबसे पहले ये वाला ओपन करके दिखा देती हूँ में है ये ड्रेस आए हुए, तो बहुत ही प्यारे हैं, उनकी प्राइस जो है ना आपको ये 5690, ठीक है ना, मतलब कि 5700 तक के आपको ये मिल जाएंगे 3 पीस, और इनके बहुत अच्छी क्वालिटी होती है गुल अहमद के कपड़ों की, इनके दुपट्टे बहुत लाइट वेट होते हैं और इनकी लॉन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये बहुत प्यारा सा कलर है, ठीक है, आपको अगर सही नज़र आ रहा हो तो बहुत नाइस सा कलर है, और इसकी सेम प्रिंटिंग है फ्रंट एंड बैक, और ये इसकी फ्रंट एंड बैक एंड स्लीव्स हैं, और ये जो है ना इसकी फ्रंट है, वो बैक और स्लीव्स हैं, ये इसकी फ्रंट का पीस उन्होंने अलग से दिया है, क्योंकि इस पर ये वाली जो है ना फॉयल प्रिंटिंग हुई हुई, ठीक है। तो ये पहले मारिया भी के कपड़ों में काफ़ी होती थी, अब इसमें भी यही से ये होता है, एक देखें आप थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस भी बन जाता है, और दूसरा सम टाइम होता है ना कि जैसे हमारी मदर्स हैं तो उनको ये होता है कि एम्ब्रॉयडरी उनको इरीटेट करती है गर्मियों में, तो सिंपल सा सूट हो, अब ये सिंपल का सिंपल है, बट इसकी वजह से ना पूरी इसकी लुक जो है ना उठ के आई है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, मतलब कि कढ़ाई से और इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के ज़रा ये न्यू लगा मुझे। और इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, जिसके अंदर जो है ना ट्राउज़र्स पे भी प्रिंट है, बट इसका ट्राउज़र प्लेन है, तो बहुत प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। ये देखें, बस इसका ये केयर करनी होती है कि इसके ऊपर डायरेक्ट आपने आयरन नहीं करना है, इसको उल्टा करके करें या इसके ऊपर दुपट्टा रख के कर लें, अगर आप स्टीम प्रेस कर रहे हैं फिर तो वेल एंड गुड। तो ये इसका गला बनेगा, ठीक है, ये छोटा ही सी बाली टाइप, चांद बाली टाइप इसका प्रिंट है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, उसमें बहुत सारे कलर्स प्यारे प्यारे थे, ठीक है। ये इसकी फ्रंट है, और ये इसकी फ्रंट का बॉर्डर है, और बैक का बॉर्डर जो उस पीस में है, स्लीव्स भी उस पीस में है, बॉर्डर शॉर्डर जो है,
और ये जिसका दुपट्टा, अच्छा दुपट्टे का कंट्रास्ट बहुत प्यारा है कि शर्ट और ट्राउज़र सेम हो गया और दुपट्टा उन्होंने डिफरेंट उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट में कर दिया। ये देखें दुपट्टे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो ये लॉन में, बट बहुत लाइट वेट और मतलब जैसे ना मलमल की तरह नहीं है, चिपकुसा नहीं होता, कि समटाइम होता है कि गर्मी में आपका दुपट्टा बिल्कुल ही चिपक जाता है ना, लेकिन ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका प्रिंट ना दुपट्टे का, और कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है कि 5700 के अराउंड इसकी प्राइस है। और ये देखें तो आप लोग, बहुत डार्कर ग्रे सा है, देखने में लग रहा है कि ये ब्लैक है बट ये बिल्कुल डार्कर ग्रे टाइप का कलर है, ठीक है। अच्छा इसके भी सेम वही चीज़ है बट इसके उन्होंने थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं स्प्रे कर दिया है उसका, उसी चीज़ का। पहले मैं आपको शर्ट दिखा देती हूँ, सेम प्रिंट है, ऑल ओवर बॉर्डर है और पूरे कपड़े पे ना आपको वही मिलेगा जैसे फॉयल प्रिंटिंग की ना, ये देखें जैसे स्प्रे सब बूटी सी मिल जाती है और बहुत प्यारी लग रही है ना, मधम मधम सा, और कोई कढ़ाई नहीं है, कोई हैवी भी नहीं कपड़ा हुआ, और मतलब कि सिंपल का सिंपल है, थोड़ा बहुत फॉर्मल का फॉर्मल है, आप ईद पे इजीली पहन सकते हैं। ये देखें तो यूं वो शाइन करे और ये बिल्कुल भी ना उतरता नहीं होता जो ये फॉयल प्रिंटिंग होती है, बस ये आपने ख्याल रखना होता है कि इस पर डायरेक्ट आपने आयरन नहीं करना होता, फिर ये चिपक जाती है आयरन के साथ तो वहाँ से ख़राब हो जाती है, ठीक है। फ्रंट बैक है, दामन है और ये ब्लैक नहीं है, डार्कर ग्रे सा है, ठीक है। और जिनके कपड़े थे उनको थोड़ा सा ये था कि ट्राउज़र जो है ना बेस कलर के ही हों, वाइट बेस पहन पहन के ना वैसे बंदा तंग आ जाता है। और ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। और ये है कि उन्होंने शर्ट का जो है ना जो उसमें से थोड़ा सा प्रोमिनेंट कलर हो रहा है बॉर्डर में, उसका दुपट्टा बनाया तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्राउज़र शर्ट बेस कलर एक है लेकिन दुपट्टा कंट्रास्ट में चला जाता है। और ये बहुत मध्यम सा जो है ना मस्टर्ड सा कलर है, बहुत चुभने वाला नहीं है, बहुत प्यारा, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था ये वाला ड्रेस। और इसकी भी सेम प्राइस है और बहुत डोरिया टाइप का इसका दुपट्टा है और बहुत लाइट वेट है, ठीक है। मतलब कि चिपकने वाला नहीं है, जैसे मलमल होती है या हल्की लॉन होती है वैसा नहीं है, और बहुत अच्छा सा इसका दुपट्टा है, फाइन क्वालिटी है, ठीक है। तो नंबर टू पे ड्रेस ये हो गया, थर्ड पे ये ड्रेस है, ये मुझे बस वैसे ही अच्छा लग गया था क्योंकि कैजुअल भी चाहिए थे घर में पहनने के लिए उन्हें, तो फिर ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने फिर ये ले लिया। ये कलर बहुत प्यारा है, बैंगनी से कलर से, इसको मैं खोल के क्या दिखाना है, इसका सेम ही प्रिंट है क्योंकि ये ऑल ओवर सेम प्रिंट वाला सूट है और टू पीस है, ठीक है। और इसकी प्राइस थी 3000, क्योंकि अब हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, पहले 2500 तक आपको मिल जाता था टू पीस। और ये इस तरह इसका मतलब कि चुनरी का बड़ा वो प्रिंट आए हुए हैं, जेरोड पे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसके अलावा जलपरी पे भी चुनरी के एंड स्टिच में आए हुए हैं और इस पे गुलामत पे भी, और बहुत प्यारा सा प्लम सा कलर है ये। और ये टू पीस है, सेम शर्ट एंड ट्राउज़र, एक पीस शर्ट का है और एक पीस ट्राउज़र का, ठीक है। और 3000 इसकी प्राइस है और ये भी बहुत प्यारा है, और भी बहुत सारे प्यारे थे इनके प्रिंट, मुझे गुलामत की काफ़ी अच्छी लगी है डिज़ाइनिंग इस दफ़ा। और बाकी मुझे खाड़ी में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगा, पता नहीं खाड़ी की क्या होता जा रहा है उनकी लॉन, मतलब कोई भी अच्छा खास लगता नहीं, बिल्कुल हल्के घर में पहनने वाले इनके कपड़े हैं, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे गुलामत पे अगर आपने फॉर्मल लेने हैं तो आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, ठीक है ना। सिल्क का भी एक तो पीसेस मैंने देखे हैं और उसके बाद फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे कमीजें आपको मिल रहे हैं, अगर आपने गर्मियों के मौसम में कोई छोटा मोटा फंक्शन अटेंड करना है तो आपको बड़े आराम से वहाँ से मिल जाएंगे। खाड़ी पे मैंने किया था, मुझे कुछ भी नहीं लगा, और प्रेट में ज़्यादा कैम्ब्रिक ही है वहाँ, और इसके लिए जेरोड पे आपको मिलेगा कुछ नहीं तो आपको प्रेट में भी मिल जाएगा, लेकिन जो पहले दिन डेफिनेटली जो चीज़ पहले दिन होती है, पहले 3-4 दिन में होती है तो फिर सेल में फिर वो तो ख़त्म हो जाती है, तो अनस्टिच में तो आपको फिर भी वो डिज़ाइन मिल जाए, लेकिन प्रेट में जो है ना साइजेज जो है ना आउट ऑफ स्टॉक है। ये दो सूट लिए थे जी मैंने जेडोट से, ठीक है। तो ये भी मैं आपको वन बाय वन खोल के दिखा देती हूँ, और ये भी प्लम कलर का है, ठीक है। तो ये जो सूट है ना इनकी रेंज थी 4490 इनकी रेंज थी, लेकिन ये 34 समथिंग के ही मिले, ठीक है, 1000 मतलब कम के मिल गए हैं। आई थिंक 25% इन पर डिस्काउंट था। ये भी बहुत प्यारा प्लम कलर है और इन पर चुनरी की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, और मैंने जो अपना लिया है स्पेशली ईद के लिए प्रेट में से, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, वो भी चुनरी ही कलेक्शन में से है। और एक मुझे और अच्छा लग रहा था लेकिन पहले दिन था, और उसके बाद जब मैंने ऑर्डर करना चाहा तो वो मुझे स्टोर पर भी नहीं मिला, और मैंने 2-3 जेडोट विजिट कर लिया, मुझे कहीं भी नहीं मिला ना, तो बहुत प्यारा था वो भी चुनरी में प्रेट। अच्छा ये इसका है आई थिंक दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा चुनरी का दुपट्टा है, ठीक है।
और बहुत प्यारा कलर, ये कलर पहन के जो है ना आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर लगता है, बहुत ही मतलब चेहरे पे उठ जाता है ये कलर। और ये इसके साथ लेस पट्टी दी हुई है बेज कलर में, गले पे यूज़ कर लें, दामन पे या बाजू पे, जो इनका प्रेड था उन पे भी ये सूट आया था, वो बिल्कुल भी नहीं आउट ऑफ स्टॉक ही है, कहीं भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो मतलब लॉन्ग सी शर्ट थी, सा ट्राउज़र था, उसके गले पे इन्होंने यूज़ किया। तो ये साड़ी जो है ना टाई एंड डाई, मतलब बेस उन्होंने टाई एंड डाई टाइप बनाई हुई है, और प्रिंट चुनरी का बनाया हुआ ये शर्ट है, ये बैक है, फ्रंट बैक सेम है, और ये जी बाजू का है, और ये बाजुओं के आगे आई थिंक बॉर्डर है, ये नहीं दामन का बॉर्डर कटिंग करके लगेगा, हाँ ये कटिंग करके जो है ना फ्रंट बैक पे लगेगा, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, और बाजू जो है ना इसके बॉर्डर में से ही बनेंगे। ये इसके स्लीव्स हैं, ठीक है, जो बॉर्डर स्लीव्स पे है वही दामन पे लगेगा, और ये इन्होंने जो है ना बॉर्डर दिया हुआ है, जैसे ये देखें ये यूज़ हुआ हुआ है बॉर्डर, और गले पे इन्होंने वही लेस पट्टी लगा दी जो साथ दी हुई है, और ये आपने फ्रंट बैक यूज़ कर सकते हैं। तो बट ये कलर बहुत प्यारा है, ठीक है, तो मुझे काफ़ी ये जो है ना अच्छा भी लगा जी। ये भी जे डॉट का ही है, और इसकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 43, ये 4290 इसकी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, ठीक है, और 32 समथिंग का ही ये मिला है आफ्टर डिस्काउंट, बहुत अच्छा। और इसके साथ दुपट्टा भी शिफॉन का है, और एम्ब्रॉयडर्ड पैच भी है, ये बहुत प्यारा कलर है, आइस ब्लू कलर है, स्काई ब्लू नहीं है, आइस ब्लू सा ये कलर है, बहुत प्यारा अकॉर्डिंग टू समर। तो ये इसके साथ लेस पट्टियाँ मिली हैं जो कि दो किस्म की हैं, बॉर्डर्स पे अटैच कर लें, स्लीव्स पे कर लें, और ये इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा, वो भी मैं खोल के दिखाती हूँ, और इसकी भी जो है ना ऑल ओवर सेम ही प्रिंट है, फ्रंट एंड बैक कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हाँ ये बॉर्डर बना हुआ है जो कि फ्रंट पे आएगा ये जो है, और बाकी जो सेम है प्रिंट, और ये इसका ट्राउज़र है, ये इसके साथ लेस पट्टियाँ दी हुई हैं, और ये है जी इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा, बहुत डिसेंट, बहुत सोबर सा लाइट का कलर है, ठंडा ठंडा, तो आई थिंक मिक्स ही पहनने चाहिए, ठंडे ठंडे कह दिया, डार्क कलर भी लाइट कलर्स भी, तो स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि हम डार्क पहनते हैं लाइट पहनते हैं, इंसान को मिक्स ही पहनने चाहिए। देखें कितना लाइट सा और प्यारा सा कलर आ रहा है, ये देखें ये इसका दुपट्टा है, शिफॉन का दुपट्टा है, और ठीक है 3200 में अगर आपको मिल रहा है, कोई इतनी इसकी वो नहीं है, प्योर क्रिंकल का तो नहीं है लेकिन शिफॉन का है, लेकिन ठीक है, इतना सख्त ये चुभने वाला नहीं है, सॉफ्ट शिफॉन है और अच्छा है दुपट्टा, ठीक है। और एक ड्रेस ये हो गया, ये भी मैंने सेल में से लिए हैं दोनों सूट जे डॉट के, जो कि मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गए हैं, और अगर आप लोगों ने भी शॉपिंग करनी है अपने लिए तो जल्दी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को इनमें से कुछ अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इनमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा है, सूट अच्छा लगा है, आप लोगों ने मुझे जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और चलें जी यहीं पेंट करेंगे, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टिपिंग दुआ में याद रखें, टेक केयर, लव यू।